चलेंगे आगे। बड़ी खबर इस वक्त की आरजेडी से जुड़ी हुई है। आरजेडी के 22 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो सामने आ गई है। चुनाव में लालू की दो बेटियों को उतारा गया है। दो बेटियां जो कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती चुनावी मैदान में हैं आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर, और सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर भरोसा आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव ने दिखाया है। दरभंगा से ललित यादव आरजेडी प्रत्याशी हैं। वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है। बीमा भारती पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बनाए गए हैं, और पूर्णिया तो वो सीट है जिसको लेकर पिछले दिनों लगातार चर्चा हो रही है। अभी भी इनफैक्ट इस पर पप्पू यादव जिस तरीके से नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं, लगातार हॉट सीट पूर्णिया बनी हुई है। इसके अलावा पाटलिपुत्र से मीसा भारती को चुनावी मैदान में उतारना और सारण से रोहिणी आचार्य पर भरोसा दिखाते हुए चुनावी मैदान में उतारना, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर जनता भरोसा करती है तो दो बेटियों को एक साथ चुनावी मैदान में उतारना, उन पर भरोसा करना। ऑलरेडी जो उनके बेटे हैं वो राजनीति में एक्टिव हैं ही, अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शक्ति इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शक्ति, आरजेडी ने 22 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। अनुभावित जो नाम थे जिनको लेकर अनुमान लगाया जाता, अनुमानित नाम भी है और अनुभवी नेता भी हैं, लेकिन पूर्णिया को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा और लालू की दोनों बेटियों को लेकर भी चर्चा है। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि एनडीए के उम्मीदवार तय हो गए, किस लोकसभा सीट से कौन सा पार्टी का और कौन सा उम्मीदवार होगा इसकी घोषणा हो गई, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कई ऐसी सीट थी खास करके कांग्रेस और आरजेडी की जिस पर जो है उम्मीदवारों को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी। और लालू प्रसाद यादव आपको बताएं कि पिछले कई दिनों से लगातार अपने आवास पर अपने कैंडिडेटों को बुलाकर सिंबल बांट रहे थे, उसके बाद काफी किरकिरी के बाद जो है आरजेडी की तरफ से कल देर रात जो है कैंडिडेटों की घोषणा की गई है। आपको बताएं कि जो गठबंधन है उसमें 26 सीटों पर आरजेडी ने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसमें 3 सीटें मुकेश सहनी को दे दी गई थी, बाकी की 23 सीटें जो थी उस पर आरजेडी ने उसमें से 22 सीटों का ऐलान कर दिया। और सबसे अहम यह है कि एक सीट जो सिवान की सीट है जो साहबुद्दीन का गढ़ माना जाता है, वो सीट जो है अभी उस पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अब पहले चर्चा काफी चल रही है कि अवध बिहारी चौधरी जो कि पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे आरजेडी के नेता हैं, उनको सिवान से आरजेडी लड़ाना चाह रही थी, लेकिन लगातार अब जो है सीना साहब भी नाराज चल रही थी। हिना साहब ने घोषणा कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। ऐसे में आरजेडी कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है कि सिवान में आरजेडी या अवध बिहारी चौधरी अपने जो नेता है उनको चुनाव लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी का भी बयान आ चुका, वो लगातार अपने क्षेत्र में कैंपेन भी कर रहे हैं। ऐसे में सिवान सीट काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि उसको लेकर अभी तक आरजेडी की तरफ से घोषणा नहीं की। काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है बिहार में ये मुकाबला। आरजेडी ने 22 प्रत्याशी